क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, सर्कल चल रहा था हमारा, तो उसका हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। 6.3 कंस्ट्रक्शन है जो भी इसी वीक में खत्म हो जाएगा। अब 6.2 में अगर आप लोगों को याद रहेगा पहले वाला सर्कल, तो हम लोग ने दो चीजें सीखी थी कि जो सेंटर से किसी कॉर्ड पर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती है, एंड सेकेंड वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमारा 6.2 में भी चलने वाला है, सेम चीज है जो हमने 6.1 में सीखी थी। वहां एक ट्रायंगल का मेजरमेंट निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर दो का निकालना है या फिर दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो एक का निकालकर भी काम हो जाएगा। तो अब फर्स्ट फिगर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर समय फिगर बनाना ही है। फर्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देयर आर टू कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब हमको सर्कल के बारे में बोला है रेडियस, तो हम रेडियस इसको बोलते थे सेंटर से लेकर यहां तक, तो ये रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देन दो कॉर्ड दिए हुए हैं जो इक्वल लेंथ के हैं, 16 सेंटीमीटर, मतलब कॉर्ड का हाफ हो गया 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स मतलब ए से लेकर ओ और ओ से लेकर बी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ये है, ये है, अगर आप ये फाइंड कर लो पाइथागोरस थ्योरम से, ये फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो, सम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास सर्कल वर्कल का नाम वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हमने जो भी अज्यूम किया है उन सबको लिख लेते हैं। लेट सेगमेंट MN एंड PQ बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। OM इज इक्वल्स टू OP, दैट इज रेडियस। फिर उसके अलावा हम लोगों ने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, दैट इज MN इज इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको दिया हुआ है, और OM इज इक्वल्स टू OP विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमको दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी गिवन। अब हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड दैट इज ओ ए प्लस ओ बी, हमको ये फाइंड करना है ओ ए प्लस ओ बी। अब हमको कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट भी करनी पड़ती है, हमको कॉर्ड दिया था, रेडियस दिया था, उसके अलावा कुछ बोला नहीं, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओ ए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम एन पर, एंड ओ बी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू पर। हमको सिर्फ कॉर्ड के बारे में बोला था, रेडियस के बारे में बोला था, ये जो है ना ये हमने कुछ ड्रॉ मतलब बोला नहीं है, तो हमने ड्रॉ किया हमारे कन्वीनियंट के लिए। नाउ यहां से भी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। द लाइन ज्वाइनिंग the center is the midpoint of the chord is perpendicular to the chord। तो हमने यहां पर क्या प्रूफ किया, 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना था हमको। तो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड MN,
दैट इज एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। साथ ही हमारा जो एम ए है वो कोण को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम एन, दैट इज एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ 16, तो विच इज इक्वल्स टू 8, तो हमको एम ए मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल प्रूफ किया हुआ है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा फर्स्ट वाला ओ ए एम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे और ओ ए निकालेंगे। तो अब यहां पर इन ट्रायंगल ओ ए एम, हमने अभी भी निकाला कि ओ ए एम जो है वो 90 डिग्री है, तो इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग कि बाय पाइथागोरस थ्योरम सर्कल यहां पर है आपका 90 डिग्री के सामने वाला ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर यानी रेडियस, ए एम मतलब अभी हम लोगों ने निकाला एम ए या ए एम, ओ ए यहां पे फाइंड करें, तो 100 इक्वल्स टू 64 प्लस ओ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, सॉरी 100 माइनस 64 आंसर आएगा 36। Therefore, OA equals to 6 सेंटीमीटर। एक बार वापस देख लो क्या किया हमने, हमारे पास दो कॉर्ड है MN और PQ, ये हमने अज्यूम किया था कि सेगमेंट MN और PQ दो कॉर्ड है। अब सेंटर से हमको रेडियस बनाना है, तो हम लोगों ने इस कॉर्ड को ज्वाइन कर लिया OM OP, रेडियस हो गए 10-10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना था ए बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब कॉर्ड एम एन और कॉर्ड पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, दैट इज ओ ए प्लस ओ बी। तो फर्स्ट हमने ओ ए फाइंड किया, 6 सेंटीमीटर मिला, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल हाइड कर दो, ये वाला ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो किया और हमने निकाला ओ ए इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ बी भी निकाल सकते हो, या फिर हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को सेम सेम प्रूफ कर देते हैं तो ओ बी निकालने की भी जरूरत नहीं है, ट्रायंगल सेम सेम ही होने वाले क्योंकि ये दो साइड सेम है, ये दो साइड सेम है, ये एंगल सेम है। तो इसके बाद हम ट्रायंगल्स को सेम प्रूफ करते हैं, OA OB को सेम सेम कर देते हैं, तो 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके बाद हम ट्रायंगल सेम प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग डाल के रख देते हैं 1। अब इन ट्रायंगल OAN एंड ट्रायंगल OB एन, ये अपना ओ ए एम और ओ बी, सॉरी पी ओ पी पी, ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सेम सेम प्रूफ करें, तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट ओ एम इज इक्वल टू सेगमेंट ओ पी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा बाकी का ना ए एम या एम ए इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको 8 सेंटीमीटर प्रूफ किया था, सेम ही है यहां पर। एंड जो एंगल ओ ए एम है वो भी एंगल ओ बी पी के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों ही 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी एस एस ए टेस्ट। आप टेस्ट का नाम जरूरी नहीं है कि बुक में दिया है वही लिखो, मतलब कभी कभार एएसएस टेस्ट को एसएस टेस्ट भी लिख सकते हो, राइट है दोनों चीजें, तो या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम नॉर्मल एएसएस टेस्ट लिख देते हैं इसको। अगर आपको सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, बहुत ज्यादा झिकझिक हो रही है, वापस ये ट्रायंगल लो, सेम चीजें लिखो, ओ बी फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो। अब हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्कुरेंट ट्रायंगल, सॉरी। देयरफॉर ओ बी कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, कहां से पता चला, फ्रॉम 1, हमने नंबर दिया था ना ओ ए इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर।
तो फाइनल आंसर लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर सेंटीमीटर. मैं दोनों तरीके से सम करके बता रही हूँ. नेक्स्ट डे सम में हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ नहीं करेंगे, दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे. तो हमने क्या क्या किया अब तक, हमारे पास दो कॉर्ड दिए थे और रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर. तो हमने पहले एक फिगर ड्रॉ किया जिसमें तो कॉर्ड दिखाया, दो रेडियस दिखाया और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एंड सारी चीजें अज्यूम की, कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. फिर हमको पता चला कि तो जो लाइन है जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. तो हम इस एंगल को लिया लिख सकते हैं 90 डिग्री और एम ए को क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ 16. ओके, तो हमने यहां पर एम ए को एम एन बताया कि हाफ है एम एन का. सिमिलरली हम लोग पी बी को भी 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहां पर. फिर हमने एक ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ओ ए फाइंड किया. फिर हमने जो दो दो ट्रायंगल्स दिख रहे थे उन सब दोनों को सेम सिमिलर प्रूफ किया. उसके बाद OA और OB दोनों सेम हो गए क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कॉन्फिडेंट ट्रायंगल के. तो OA मिला 6 सेंटीमीटर और OB भी मिला आपको 6 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर. सिमिलरली सेकेंड सम भी है. तो आपको अगर फर्स्ट सम में ज्यादा कंफ्यूजन हुआ हो तो सेकेंड सम प्लीज ध्यान से देखना, इतना ही बड़ा सम है ये भी. क्वेश्चन नंबर 2 में सेम चीज है, सेम फिगर आएगा. इन अ सर्कल विथ अ रेडियस 13 सेंटीमीटर. तो हमारा रेडियस क्या है, ओ ए ओ सी दोनों क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर. उसके बाद बोला है दो टू इक्वल कॉर्ड्स आर अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर. फाइंड क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो कॉर्ड फाइंड करना है मतलब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर दोगे, इवन है दोनों सिमिलर कॉर्ड ही है. तो AM फाइंड किया, AM फाइंड किया तो हम AB तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि AM जो होता है वो हाफ ऑफ AB है, कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है. सेम पाइथागोरस थ्योरम, हमको ये वाला फाइंड करना है और दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी. तो AB इक्वल टू CD, तो AB फाइंड कर दिया तो CD भी मिली जाए. तो हमको जो दो ट्रायंगल वाला पाइथागोरस है वो करने की जरूरत नहीं है और ना ही ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है. सबसे पहले तो हम जो जो अज्यूम कर रहे हैं उनको लिख देते हैं. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल पिछले वाले समय में उन्होंने सेंटर नहीं लिखा तो वहां पे भी सेंटर लिख लेना. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू सेगमेंट सी डी कॉर्ड ऑफ सर्कल. सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू सेगमेंट ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल. सेगमेंट ओ एम इज डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर एंड सेगमेंट ओ एन जो है वो है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर. तो ये सारी चीजें हमने अज्यूम की थी तो वो सब लिख दिया. अब इसके बाद हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, ए एन फाइंड करना है. तो हम वापस वही अपना कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे. कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी और सेगमेंट ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी पे. ये कंस्ट्रक्शन करके क्या होता है ना कि हम 90 डिग्री का बोल सकते हैं इसको कि भाई ये 90 डिग्री का हो गया. तो अभी हम लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर सकते हैं. अब इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, सेगमेंट ए बी सॉरी कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी इनका मेजरमेंट फाइंड करना.
अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, दैट इज जो हमने एंगल ओ एम ए है वो 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमको इस वाले में अप्लाई करना है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा था, रेडियस का मेजरमेंट कितना है 13। ओ एम इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर और उसका मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग गिवन से यहां से ये पिक कर सकते। तो हमारे पास ओ ए हो गया 13 स्क्वायर, ओ एम हो गया 5 स्क्वायर, ए एम नहीं पता, 169, 25। तो हम लोग ए एम स्क्वायर निकालेंगे, 169 माइनस 25, तो ए एम स्क्वायर हो गया आपका 144, ए एम हो चुका है आपका 12 टेकिंग स्क्वायर। अब हम ये लिख सकते हैं ना कि ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, रीजन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी लिखा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, या फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, या पूरा ही लिख लो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो पिछले लेक्चर में लिखा के दिया था वही वाला पूरा लिखना। अब हमारे पास ए एम कितना है 12, हमको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी हो जाएगा 12 into 2 = 24, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 24। अब कॉर्ड आपको दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, गिवन इक्वल कॉर्ड्स, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल्स टू बी 24 सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो फाइनल आंसर है वो कैसे लिखना है, द लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखना, लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। एबीसीडी लिखकर मत खत्म कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी एबीसीडी नहीं बोला है, आपको कॉर्ड का लेंथ बोला है। तो हमको यहां पर लिखना क्या पड़ेगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेम किया हमने वापस, जो जो गिवन था वो लिखा, पाइथागोरस थ्योरम फाइंड किया ट्रायंगल में, एक चीज फाइंड की वो थी हाफ ऑफ द कॉर्ड, उसको हम लोग ने डबल किया तो हमको फुल कॉर्ड मिल गया, तो दोनों कॉर्ड का लेंथ फाइंड हो गया। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो थोड़ा सा अलग है, मतलब हमको सिर्फ 2 ट्रायंगल्स को सेम प्रूव करना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको एक सर्कल दिया है और दिया है कि 2 कॉर्ड जो है वो इक्वल है, पीएम एंड पीएन आर द कॉन्करेंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी। हमको क्या शो करना है कि ये जो पीसी रे है ना वो एन पी एम को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम, ये प्रूफ करना है हमको। तो अभी हम लोग सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, सॉरी सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके बाद हमारे पास है सेगमेंट पीएम और ये दोनों कॉन्कुरेंट है, तो सेगमेंट पीएन आर द कॉर्ड ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, जो रे पीसी है
इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम. दैट इज हमको प्रूफ करना है कि जो दो एंगल्स बना रही है ना ये रे एम पी सी इज सिमिलर टू एंगल एन पी सी. ये प्रूफ करें क्योंकि ये दो एंगल्स अगर सेम हो गए मतलब भाई हाफ हाफ में डिवाइड करिए. अब यहां पर कंस्ट्रक्शन तो किया नहीं तो हमको ही करना पड़ेगा. हमने ड्रॉ किया ड्रॉ लाइन सीएम. एक्चुअली लाइन नहीं, हमने तो सेगमेंट में ही स्टॉप कर दिया था तो हम सेगमेंट ही लिख लेते हैं सेगमेंट सीएम. फिर हमने सी एन ड्रॉ किया सेगमेंट सी एन एंड रे पी सी. ये सब चीजें हमने यहां पर ड्रॉ किया. हमने ये रे पी सी ड्रॉ किया सी एम ड्रॉ किया और सी एन ड्रॉ किया. सी एम सी एन क्या हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल क्योंकि सेंटर से जाकर वो कॉर्ड पे टच कर रही है सर्कल के पॉइंट पे टच कर रही है. अब हमको क्या करना है ये दोनों ट्रायंगल्स को सेम सेम प्रूफ करना. अगर हम सेम सेम प्रूफ कर देते हैं तो सिमिलर एंगल्स सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स भी सिमिलर होते हैं तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे. सेम सेम हो गया मतलब ये बाइसेक्टर ही है. तो इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एम सी पी एंड ट्रायंगल एन सी पी. एक एक चीज जो हमको पता है वो लिखते जाएंगे. फर्स्ट चीज तो हमको पता है कि जो ये कॉर्ड है वो दोनों सेम सेम गिवन. तो सेगमेंट एम पी इज सिमिलर टू सेगमेंट एन पी गिवन. ये था ना पीएम पीएन सेम ही है. रीजन सेम कॉर्ड है ना सर्कल के और उन्होंने लिखा कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है. उसके बाद सेगमेंट सी एम इज सिमिलर टू सेगमेंट सी एन क्योंकि दोनों के दोनों क्या है रेडियस रेडियस ऑफ द सर्कल. फिर एक कॉमन है सेगमेंट पी सी इज सिमिलर टू सेगमेंट पी सी कॉमन. हमने क्या किया ये कॉर्ड हमको दिया था ये दो ट्रायंगल्स ले लें पीएम पीएन सेम है गिवन है सीएम सीएन रेडियस है और ये कॉमन है. तो एसएस टेस्ट से हम ये तो प्रूफ कर लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम. देखो ट्रायंगल एमसीपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एनसीपी एसएसएस टेस्ट. इसके बाद जो एंगल है वो भी सेम होंगे तो एम पी सी इज सिमिलर टू एन सी पी एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. एम पी सी एम पी सी और एन सॉरी एन पी सी है एन पी सी एम पी सी और एन पी सी ये दोनों भी सेम सेम हो गए सिमिलर ट्रायंगल से. तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम. ये जो हमारा एंगल है ना एन पी एम उस एंगल को इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि एन पी सी और एम पी सी दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो रे है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल एन पी एम की. तो यहां तक हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म हुआ. लास्ट लेक्चर इसका कंस्ट्रक्शन का दो तीन सम्स में करवा के सेंड करने वाली हूँ और बाकी के सम आप लोगों को ट्राई करने हैं कंस्ट्रक्शन के. इजी सम है इनर सर्कल आउटर सर्कल बनाना है. तो इसके बाद हमारा सर्कल भी खत्म हो जाएगा. लास्ट चैप्टर बचेगा क्वाड्रिलेटरल.